दोस्तों आपके चैनल पे ये तीन चीज दिखने लगे तो समझो कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है, आपका चैनल वायरल होने वाला है। दोस्तों ये तीन चीज क्या है और कहाँ दिखेगा? तो दोस्तों ये तीन चीज आपके YT एप्लीकेशन में दिखेगा। तो चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीन चीज क्या है और कैसे आपका वीडियो वायरल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बगल में मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दिया हूँ और आप लाइव देखो। दोस्तों सबसे पहले अपने फोन में YT एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये कम्युनिटी का ऑप्शन, ठीक है? तो आपको कम्युनिटी पे क्लिक करना है और ये कम्युनिटी में आपको क्या देखना है, यहाँ पे थोड़ा से ऐसे स्वैप करके ऊपर जाना है, ठीक है? ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पहले पढ़ना और फिर समझना, ठीक है? यहाँ पे कम्युनिटी स्पोर्ट लाइट, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी हाइलाइटेड ऑडियंस है, जो आपको टॉप कमेंट करते हैं, उनका यहाँ पे आपको चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो तीन चैनल अभी मेरे में शो कर रहा है, हो सकता है आप में ज्यादा चैनल शो करे, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों ये वो ऑडियंस है जो आपका वीडियो देखते हैं और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका वीडियो कैसे वायरल होगा, आपका ऑडियंस कैसा वीडियो देखना चाहती है। जैसे मैं यहाँ पे एक अभी वाला चैनल है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ये अभी का चैनल है जो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 सब्सक्राइबर्स है इनके चैनल पे, ये मेरे को रेगुलर कमेंट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का चैनल का ये वीडियो देखना चाहते हैं और कैसा ये वीडियो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये मनोज डे का वीडियो दिख रहा है, ठीक है? बहुत सारा यहाँ पे चैनल्स दिख रहा है, ठीक है? तो ये इन्हीं चैनल का वीडियो देखते हैं। जैसे चलो मैं यहाँ पे कोई एक चैनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं ये चैनल ओपन किया तो यहाँ पे ये चैनल ओपन हो गया है। इस चैनल पे देखो ये अभी कितना 11 सब्सक्राइबर से 11 वीडियो डाला गया है और यहाँ पे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों डाला जाता है। तो ये ट्रेडिंग का वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं इनका दूसरा किसी का चैनल ओपन करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है? और जैसे यहाँ पे कोई और चैनल, ये गेमिंग चैनल है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है? और इस गेमिंग चैनल पे आप देख सकते हो कितना सब्सक्राइबर्स है, 22,347 वीडियो डाला गया है। तो ये गेमिंग का भी वीडियो देखना इनको अच्छा लगता है, या आप ये गेमिंग वीडियो भी बनाते होंगे, ठीक है? आप ऑलमोस्ट ऐसे पता कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में कि वो कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, उनको कैसा वीडियो पसंद है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कम्युनिटी में आकर उनके पता कर सकते हो कि वो कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक दादा का चैनल है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये दादा का चैनल जो भी है इंटरटेनमेंट का चैनल है, और थोड़ा सा मैं इधर ऊपर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आप देखो ये दादा कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, इनको कैसा वीडियो अच्छा लगता है। ये इनका चैनल जो भी सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करके ये चैनल को रखे हैं वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है चैनल, ठीक है? तो आप से इजीली पता कर सकते हो कि आपका ऑडियंस कैसा वीडियो देखना पसंद करती है, ठीक है? और दोस्तों दूसरा क्या चीज है कि आपको यहां पे एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद यहां पे ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो यहां पे आप पता कर सकते हो ये रिटर्निंग व्यूअर्स लिखा है, ठीक है? तो ये वो व्यूअर्स हैं जो आपका वीडियो देखकर सीख रहे हैं, आपका एक खाली वीडियो देखा हुआ है और वो आकर दोबारा तिबारा वीडियो देख रहे हैं, आपके वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि हाँ इस टाइप का वीडियो मेरे को देना है ऑडियंस को, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्निंग व्यूअर्स 962 आ रहे हैं, जो कि ये 28 दिन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया व्यूअर्स आ रहे हैं जो ये भी 28 दिन के अंदर आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इधर थोड़ा इधर आना है। तो यहाँ पे यूनिक व्यूअर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनिक व्यूअर्स जो 24,000 प्लस आ रहे हैं 28 दिन में, ठीक है? और इधर थोड़ा आओगे तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपके चैनल पे 28 दिन में कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 200 प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे बढ़े हुए हैं, ये 28 दिन का है, 18 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर का, ठीक है? तो ऐसे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आना जरूरी है, ठीक है? जो कि आपका वीडियो देखे। अब उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? ये चीज आपको, ये ग्राफ आपको समझना बहुत जरूरी है। When your viewers are on YouTube, ठीक है? YouTube local time, जो ये YouTube खुद आपको ये टाइम देता है लोकल टाइम कि आप अपने वीडियो को किस टाइम पब्लिश करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बॉक्स हाईलाइटेड बना हुआ है, कुछ बॉक्स डार्क बना हुआ है। तो ये हाईलाइटेड वाला एरिया आपको देखना है, जैसे ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये सारा का सारा हाईलाइटेड है। यहाँ पे ये हाईलाइटेड किस टाइम पे हो रहा है, तो 5:59 PM यानी शाम को ये हाईलाइटेड ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद कुछ ये दोपहर में हाईलाइटेड हो रहा है, यहाँ पे 11:59 AM दिखा रहा है। कुछ यहाँ पे सुबह में ये हाईलाइटेड ओपन हो रहा है, तो 5:59 पे सुबह में हो रहा है AM। तो ये चीज भी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ये आपको मदद करता है आपके वीडियो वायरल करने में, ठीक है? आप इस टाइम पे पब्लिश करोगे तो आपका वीडियो वायरल होगा, आपका चैनल वायरल होगा, ठीक है? ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा चीज समझते हैं क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे एज वाला कैटेगरी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चैनल पे
यहाँ पे ये एज वाला कैटेगरी आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चैनल पे 13 साल से लेकर 17 साल का बच्चा भी देख रहा है मेरा वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे 18 साल से 24 साल का भी लड़का मेरा वीडियो देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा में एजेड में आ गया 25 से 34, 35 से 44, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये भी आपको पता करना होगा कि मेरे चैनल पर किस जेंडर का लोग हैं, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वीडियो कहाँ से, मेरे वीडियो पे कहाँ से व्यू जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जियोग्राफी देखने को मिलेगा। इसको आप ओपन करोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको देश देखने को मिलेगा जहाँ से मेरे वीडियो में ज़्यादातर इंडिया से व्यू जा रहा है, उसके बाद नेपाल से आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद सऊदी अरब से, उसके बाद फिलिपीन से, उसके बाद म्यांमार से, ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे देश देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि मेरे वीडियो पे कहाँ से व्यू जा रहा है, ठीक है। अब आपको तीसरा चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कि YouTube ने मेरा हाइड कर दिया है, और ये 7 दिन का जो होता है यहाँ पे डाटा, ये जो अभी YouTube हाइड कर दिया है, हो सकता है आप में शो कर रहा होगा, व्हाट योर ऑडियंस वॉचड लास्ट 7 डेज नॉट एनफ आर डाटा शो दिस रिपोर्ट। यहाँ पे 7 दिन का डाटा अभी मेरे में शो नहीं कर रहा है, हो सकता है आपके फोन में शो करता होगा आपके YT स्टूडियो में। तो आप यहाँ पे टॉप 10 वीडियो शो करता है जो आपका ऑडियंस देखना चाहती है, तो वो वीडियो से आप पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे को वीडियो कैसा बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करना चाहिए, आपका ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ठीक है। तो ये चीज आप पता कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो चैनल योर ऑडियंस वॉचड, ये 28 दिन का डाटा दिखाएगा, यहाँ पे 100+ वीडियो दिखाई देगा कि आपका ऑडियंस कैसा कैसा वीडियो देख रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे केयर करने की जरूरत है, बढ़िया से अपने YT स्टूडियो को देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। फिर आप अपने वीडियो को वायरल करोगे, अपने चैनल को बड़ा करोगे, अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों इतना तो आपने समझ लिया, यहाँ पे आप स्लाइड करके आना तो यहाँ पे आपको एक इंस्पिरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है कि आपको कैसा वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे वीडियो आ गए, 2 वीक, 6 वीक, 5 डे, 11 डे, 5 डे, 2 वीक, जैसे कि ये वीडियो पे आप देख सकते हो कितना कितना सारा व्यूज आया। तो आप चाहो तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपना वीडियो वायरल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सही से अपने YT स्टूडियो को समझना है, चलाना सीखना है, बारीकी से देखना है कि मेरा ऑडियंस क्या चाहती है, कैसा वीडियो देखना चाहती है। और जब अपना ये YT स्टूडियो ओपन करेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि मैं आपका ऑडियंस क्या देखना चाहती है भाई, बाकी ऐसे आप कुछ नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम्युनिटी में आना, यहाँ पे बहुत सारे आपको कमेंट भी देखने को मिलेगा, आपका जो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आपको कमेंट करेंगे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना, मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपको सब कुछ वो कर देना होगा अपने ऑडियंस को, ठीक है, तभी आपका वीडियो चलेगा। तो आई होप दोस्तों आपने बहुत कुछ YT स्टूडियो से सीख लिया, और आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।